सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुशांत के करीबी दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने दिशा सालन के बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने को लेकर सवाल खड़े किए। सुनील ने रोहन रॉय के मलाड अपार्टमेंट में 8 जून को हुई पार्टी को लेकर सवाल किया, जिसमें दिशा के सभी दोस्त मौजूद थे। सुनील ने दावा किया है कि जो लोग 8 जून को रोहन के घर पर हुई पार्टी में मौजूद थे वो छिप रहे हैं और दिशा से के साथ जो हादसा हुआ है उस मामले में जांच एजेंसी के सामने नहीं आ रहे। सुशांत की जिम पार्टनर ने यह भी बताया कि मलाड के अपार्टमेंट में हुई पार्टी में दिशा और उनके बॉयफ्रेंड रोहन के अलावा दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद, हिमांशु मौजूद थे। ये सभी दिशा के दोस्त थे और उसकी मिस्टीरियस हादसे के बाद से गायब है। सुनील ने दावा किया है कि दीप अजमेरा दिशा का काफी पुराना और काफी करीबी दोस्त था। सुनील ने कोरोना काल में हुई पार्टी को लेकर सवाल किया। सुनील ने कहा कि जिस वक्त देश भर में कोरोना महामारी के कारण सरकार लॉकडाउन लगाकर बैठी हुई थी, तब मलाड की बिल्डिंग में पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज हुई। सुनील का एक और सवाल है कि 8 जून को मलाड पार्टी में गए लोगों का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। सुनील ने आगे कहा कि उनके पास एक ऐसा सबूत है जिसे वो सीबीआई को हैंडओवर करेंगे, जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है। सुशांत के हादसा जो 14 जून को अपार्टमेंट में हुआ, जबकि उनसे पहले दिशा के साथ 8 जून को मलाड बिल्डिंग के 14वीं मंजिल से गिरने की हादसे की सच्चाई सामने आई थी। और अब इसी पर एक और खुलासा सामने आया, जिसमें इस बात का भी दावा किया गया, जहां पर एक चश्मदीद गवाह सामने आया जिसने कहा कि इस मलाड बिल्डिंग में रोहन के फ्लैट पर रोहन के साथ रोहन के दोस्त मौजूद थे, एक मंत्री मौजूद था और मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड। और उसी के साथ ये भी खुलासा किया कि जब दिशा सालिन की मेडिकल रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें लिखा था कि दिशा के प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा गहरे निशान थे और चोटों के निशान थे। और इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ जहाँ पर ये बताया गया कि दिशा के इस हादसे से पहले दिशा के साथ गलत काम हुआ और ऊंचा लाउड म्यूजिक होने की वजह से दिशा सालन की आवाज़ें बाहर तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से दिशा के साथ ये सारा कांड हुआ, जहां पर उसे पहले मारा गया, उसे पीटा गया, उसके साथ गलत हरकतें की गई, सबने मिलकर ये किया और उसके बाद उसे 14वीं मंजिल से धक्का दे दिया। जी हां, ऐसी खबरें अब सोशल मीडिया पर दिशा सालन को लेकर वायरल हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर जहां मांग हो रही है शांत के साथ दिशा सालन पर भी सीबीआई जांच की, तो क्या अब सीबीआई जांच दिशा के मामले पर होगी और उसके भी असली गुनहगार सामने आएंगे, क्योंकि जो गुनहगार दिशा सालन के हैं वही गुनहगार सुशांत के भी हैं, जिन्होंने सुशांत की जिंदगी 34 साल की उम्र में छीन ली। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।